गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। टुडे इन द क्लास ऑफ BBA फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। द टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ए फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फैमिली है ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर ए पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो PCs होते हैं हमारे घर में या हमारे लैब में या कहीं, उनके लिए विंडोज़ जो है एक फैमिली की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है। विंडोज़ डोमिनेट्स द पर्सनल कंप्यूटर वर्ल्ड रनिंग बाई सम एस्टिमेट्स ऑन 90% ऑफ ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि 90% हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर विंडो ही आपको मिलेगी, वो XP हो चाहे 95 हो, 98 हो, ना विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, एटसेट्रा। ठीक है, वो होगी विंडो ही 90%। द रिमेनिंग 10% आर मोस्टली मैकिंटोश कंप्यूटर, और जो बची हुई 10% है वो मैकिंटोश जो कंप्यूटर्स हैं उनमें रहेगी, जैसे कि लाइक द मैकिंटोश ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट विंडोज़ प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसमें मैकिंटोश की अगर हम बात करें, मैकिंटोश एक कंप्यूटर होते हैं, इसमें जो विंडो है वो अलग टाइप की विंडो इसमें लोड की जाती है, जो हमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करे, मल्टी टास्किंग एंड सपोर्ट फॉर मैनी पेरिफेरल डिवाइस, इस तरीके की चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। इन एडिशन टू विंडोज़ 3.x, विंडोज़ 95 एंड विंडोज़ 98 विच रन ऑन इंटेल बेस्ड मशीन, और जो विंडोज़ के और अदर वर्जन हैं 95 है, 98 है, विंडो 90 है, ये सब हमारे इंटेल बेस्ड मशीन पर काम करते हैं। इंटेल बेस्ड मतलब जिनमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हो। माइक्रोसॉफ्ट आल्सो सेल्स विंडोज NT, माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडो NT को भी बेचता है। ए मोर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन ए वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, जो कि एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के वैरायटी प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ वैरायटीज ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराता है विंडो NT। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले विंडो 95 क्या है। ए मेजर रिलीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक मेजर रिलीज़ था, यानी सबसे बड़ा रिलीज़ था जो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो था रिलीज्ड इन 1995 में ये रिलीज हुआ था, इसलिए इसका नाम विंडोज़ 95 रख दिया गया था। इसलिए विंडोज़ 95 रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट एडवांस ओवर इट्स प्रीकर्सर, यानी कि जब ये बना था उसी के आधार पर इसका नाम विंडो 95 रख लिया गया था। विंडोज़ 3.1 इन एडिशन टू स्पोर्टिंग ए न्यू यूजर इंटरफेस, विंडोज़ 95 आल्सो इंक्लूड ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, विंडोज़ जो 3.1 थी उसके एडिशन में एक नया यूज़र इंटरफेस विंडो 95 में प्रोवाइड किया गया था, और इट आल्सो इंक्लूड ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स, और इसमें कुछ नंबर ऑफ इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट सपोर्ट 32-bit एप्लीकेशन, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि ये जो हमारी विंडो 95 थी वो 32-bit एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने लगी थी, विच मीन्स दैट एप्लीकेशन रिटन स्पेसिफिकली फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ जो भी एप्लीकेशन थी वो स्पेशली इसी 32-bit और एप्लीकेशंस के हिसाब से बनाई जाने लगी, और इसको 32-bit का मतलब है हम इसमें एक इसका मतलब है सिस्टम हमारा शुड रन मच फास्टर, यानी जो वो एप्लीकेशन हमारी फास्टर तरीके से रन होती थी। एंड ऑल दो विंडोज़ 95 कैन रन ओल्डर विंडोज़ एंड डॉस एप्लीकेशंस, ओल्डर विंडोज एंड डॉस एप्लीकेशंस को हमारी ये 95 रन करती थी, इट हैज़ एसेंशियली रिमूव्ड डॉस एज द अंडरलाइन प्लेटफॉर्म, और इसमें जो डॉस है वो अंडरलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम करती थी। दिस हैज़ मेंट रिमूवल ऑफ मैनी ऑफ द ओल्ड डॉस लिमिटेशंस, और इसने
डॉस की जो ओल्ड लिमिटेशंस थी उन्हें रिमूव कर दिया, सच एज 640K ऑफ मेन मेमोरी एंड 8 करेक्टर फाइल नेम्स, इसको भी इसने रिमूव कर दिया। ओके, अब बात करते हैं विंडो 98 की। ठीक है, द हायर एपेरेंट ऑफ विंडोज 95 ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड मेम्फिस एंड देन विंडो 97, बट माइक्रोसॉफ्ट चेंज द नेम व्हेन इट रियलाइज दैट इट वाज गोइंग टू मिस इट्स टारगेट 1997 रिलीज डेट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी 95 थी उसमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उसे 97 में निकालने का विचार था कि 1997 में हम इसे निकालेंगे और इसका नाम 97 रखेंगे, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर थे या जो भी टीम थी, उन्होंने रियलाइज हुआ कि 97 में हम अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो 98 में ये रिलीज डेट से के टाइम पर नहीं निकल पाई 97 में, तो 98 में इसे निकाला गया था विंडो को। विंडोज़ 98 ऑफर सपोर्ट फॉर ए नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और जो 98 थी वो नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती थी, इंक्लूडेड फैट 32 फाइल एलोकेशन, ठीक है, फाइल एलोकेशन 32 बिट, AGP, MMX, USB, DVD एंड ACPI, इस तरीके के नए टेक्नोलॉजी को वो सपोर्ट करने लगी थी। इट्स मोस्ट विजिबल फीचर थ्रो इज द एक्टिव डेस्कटॉप, इसका मोस्ट विजिबल फीचर था कि एक्टिव डेस्कटॉप के थ्रू हम इंटीग्रेट कर सकते थे द वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को इसमें इंक्लूड किया गया था, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 98 में इंक्लूड किया गया था विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, इसे अलग से लोड नहीं करना पड़ता था, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये इनबिल्ट रहता था। फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिंग द ए डॉक्यूमेंट, अगर यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने में कोई डिफरेंस नहीं था, जैसा 95 में एक्सेस किया जाता था उसी तरीके से 98 में एक्सेस किया जाता है। रिसाइडिंग लोकली ऑन द यूजर्स हार्ड डिस्क, और यूजर की हार्ड डिस्क में लोकली जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रहता है उसी तरीके से रहता है इसी 98 में, और ऑन ए वेब सर्वर हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कि वेब सर्वर में रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विंडो NT की। द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे एडवांस वर्जन है विंडो NT फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्क टर्मिनल कैसे है NT। इट एम टू बी ए फुली फीचर्ड मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एम था कि एक फुली फीचर्ड मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये बनाया गया था, समथिंग दैट कुड कंप्लीट विद सर्वर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सब कुछ उसमें था सर्वर और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, सच एज नोवल्स HP MP द पोर्टेबल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड समडे इवन IBM मेन फ्रेम्स, मतलब ऐसी सारी सिस्टम जो थे वो विंडो 98 को हमारे सपोर्ट करने लगे थे, और विंडो 98 में भी इसको सपोर्ट करने की सारी कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटी इसमें दी गई थी। इट हैड ऑल द फीचर्स इन एडिशन टू प्रिटी विंडो स्टाइल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसे सारे वो फीचर दिए गए थे जिससे ये लगे ये एक प्रिटी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एक हमारी विंडो है, टू मेक इट ईजियर टू यूज़, जिससे कि इसे यूज़ करना भी आसान हो जाए। एंड पोर्टेबल बियॉन्ड द इंटेल बेस्ड चिप, वॉर पोर्टेबल थी इंटेल बेस्ड चिप थी इसमें, इसलिए टू वेरियस ऑफ द फास्टर RICS चिप और फास्टर RISC चिप भी थी। विंडो NT इज़ ए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे 98 था 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे हमारा NT विंडो NT भी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, दैट सपोर्ट्स प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, जो कि मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था। देयर आर एक्चुअली टू वर्जन ऑफ विंडोज़ NT, विंडोज़ NT के एक्चुअली दो वर्जनस हैं, विंडोज़ NT सर्वर डिजाइन टू एक्ट ए सर्वर इन नेटवर्क, जिसे नेटवर्क में एक सर्वर की बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, एंड विंडो NT वर्क स्टेशन, और विंडो NT वर्क स्टेशन जो कि सर्वर में एक क्लाइंट के काम करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, दो तरह की हमारी विंडो थी, विंडो NT सर्वर और विंडो NT वर्क स्टेशन। की फीचर्स ऑफ विंडो NT की फीचर्स की बात करें तो NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, द
32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, नॉट ए सेल और एन एप्लीकेशन, ना एक सेल था ना ही एक एप्लीकेशन थी, पूरा 32 बिट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग, ओएस डिटरमाइन व्हेन एप्लीकेशन कैन एक्सेस द सीपीयू, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता था कि सीपीयू कैसे एप्लीकेशंस को एक्सेस करेगा। एप्लीकेशंस रन एट इंटेल प्रिविलेज लेवल 3, इंटेल के प्रिविलेज पर लेवल 3 पर एप्लीकेशंस इसमें रन होती हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म अल्फा इंटेल MPIS मल्टी प्लेटफॉर्म है ये, एंटी हाईली इंटीग्रेटेड इनटू अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, यानी अदर जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट थे उनसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड थी। एबिलिटी टू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सेस कंट्रोल की इसमें एबिलिटी थी। एबिलिटी टू ज्वाइन डोमेन्स टुगेदर विद द ट्रस्ट रिलेशनशिप, यानी ये डोमेन भी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। एबिलिटी टू ऑटोमेट कस्टमाइज एंड कंट्रोल यूजर एनवायरनमेंट, यूजर एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करना या कंट्रोल करना भी की भी इसमें एबिलिटी है। डायरेक्टरी एप्लीकेशंस, डायरेक्टरी रेप्लिकेट की जा सकती है इसमें। फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि जो भी फॉल्ट है उसे हटाया जा सकता है, रेड लेवल 1 और 5 है इसका। रिमोट एक्सेस इसे कर सकते हैं। C2 रेटेड सिक्योरिटी इसमें है ऑरेंज बुक के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी थी 3 विंडो 95, 98 एंड विंडो NT। और इसके बाद हम देखेंगे DOS के बारे में। DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने देखा भी हो सकता है DOS एक्रोनियम फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, कमांड प्रॉम्प्ट आता है, उसको हम DOS ही कहते हैं। उस पर हम फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, डायरेक्टरी बनाना, ये सारे काम उसमें रहते हैं। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।